हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण इस बार सुप्रसिद्ध गोविंद सागर झील भाखड़ा डैम में पानी लबालब भरा है। मत्स्य विभाग के अनुसार कई वर्षों के बाद गोविंद सागर झील के जलस्तर में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई है। मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश के मुताबिक इस बार गोविंद सागर झील में मछली उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज होगी, जिसके चलते मछली के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण इस बार सुप्रसिद्ध गोविंद सागर झील भाखड़ा डैम में पानी लबालब भरा है। मत्स्य विभाग के अनुसार कई वर्षों के बाद गोविंद सागर झील के जल स्तर में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई है। मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश के मुताबिक इस बार गोविंद सागर झील में मछली उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज होगी, जिसके चलते मछली के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। गोविंद सागर झील भाखड़ा डैम की मछली जहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा कोलकाता के लिए भी सप्लाई की जाती है। गोविंद सागर झील भाखड़ा डैम में कतला, माहेश्वर, सिल्वर, सिंगाड़ा, गोल्डन, राहू, तरह तरह की प्रजातियां गोविंद सागर झील में पाई जाती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से गोविंद सागर झील का जलस्तर काफी कम था, जिसके कारण मछली उत्पादन में काफी गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि मत्स्य विभाग के मुताबिक जलस्तर बढ़ने से इस बार मछली का प्रजनन काफी मात्रा में हुआ है और आने वाले समय में गोविंद सागर झील भाखड़ा डैम में मछली उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ने के आसार है, जिससे मछुआरे काफी खुश है। अगर जलाशय का जो जल स्तर है वो काफी वर्षों के बाद जो है वो इस लेवल पे इस साल केवल इसी वर्ष जो है वो रहा, अदरवाइज ये हर साल जो था ये काफ़ी डाउन चला जाता था। और हमारी जो विभागीय मोटर बोट थी वो भी हमें कुछ महीनों के लिए भाखड़ा ले जानी पड़ती थी, लेकिन ये इस बार बड़े सालों के बाद, कई सालों के बाद ये ऐसा संभव हो सका कि हमारी मोटर बोट जो थी, जो कि हमने विभाग ने कंजर्वेशन के लिए रखी थी, वो भी यहीं पर ही रही और पानी का जल स्तर जो था वो उस मोटर बोट चलने के लिए काफ़ी उपयुक्त था। इसलिए इस बार जो है ब्रीडिंग जो है, जो मत्स्य का प्रजनन हुआ वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया। और जो प्रजनन करने के लिए, जो फिश की ब्रीडिंग के लिए जो माइग्रेशन होती है, फिश इधर से एक जगह से दूसरी जगह अंडे देने के लिए जब जाती है, तो उसके लिए एक बड़ा ही पॉजिटिव माहौल जो था, जो खड्डा नालों के मुहाने होते हैं वहाँ पर उसको जा करके उसने ब्रीडिंग करी, और जब फ्लड आता है तो उस समय ब्रीडिंग करती है मछली। तो इस बार प्रजनन भी हो, आने वाले वर्षों में इसकी वजह से जलस्तर ज़्यादा होने से और ये जो था क्या नाम, मछली हमारी जो ब्रीड कर गई है, इससे गोविंद सागर जलाशय के मछली प्रोडक्शन में, पैदावार में आने वाले समय में काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो कि हमारे मछुआरे वर्ग जो है उनको इससे काफ़ी लाभ होगा।